नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है और इस सीरीज के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। खराब गेंदबाजी और फील्डिंग की वजह से टीम इंडिया के हाथ से पहला T20 मैच तो चला गया, लेकिन दूसरा मुकाबला टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है 23 सितंबर को शाम 7 बजे, यानी कि कल। अब एक मुकाबला तो दोस्तों टीम इंडिया हार गई है, लेकिन अगर टीम इंडिया को ये सीरीज जीतनी है तो बैक टू बैक दोनों मैचेस जीतने होंगे और उम्मीद है कि पहली हार से रोहित भैया कुछ तो सबक लेंगे और कुछ तो सीखेंगे ही। वेल, ये तो हो गई मजाक की बात, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आज के हमारे मैच प्रीव्यू में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच की, जिसमें टीम इंडिया किन गलतियों को सुधार सकती है इस पर नजर डालेंगे। साथ ही दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, की प्लेयर्स और पिच का हाल भी आपको बताएंगे। तो बकबक तो बहुत हो गए दोस्तों, अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकंड T20 आई विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में खेला जाएगा 23 सितंबर को शाम 7:30 बजे। यहाँ की अगर पिच पर नजर डाली जाए दोस्तों, तो पिच का हाल यहाँ कुछ ऐसा है कि भैया यहाँ टोटल मैचेस खेले गए हैं 12 और यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का पलटा ज्यादा भारी रहा है, यानी कि 9 मुकाबलों में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोस्तों, फर्स्ट बैटिंग के अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो रहा है 151 और अगर दोस्तों हाईएस्ट स्कोर पर नजर डालें तो यहां पर इंडिया का हाईएस्ट स्कोर रहा है 5 विकेट्स पर 215 का। लोएस्ट स्कोर भी यहां पर इंडिया के नाम ही रहा है और वो है 10 विकेट्स गंवाकर 79 का। तो दोस्तों, यहाँ पर टॉस जीतना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉस आप जीतते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि पहले आपको फील्डिंग करनी है या फिर आपको बैटिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का पलटा ज्यादा भारी रहा है पिच पर, लेकिन अगर हेड टू हेड पर नजर डालें, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हेड टू हेड पर देखा जाए, तो यहाँ 24 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें से एक मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। साथ ही इंडिया ने यहां पर 13 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा इस वक्त भारी है ऑस्ट्रेलिया से। हालांकि पिछला मुकाबला वो हार चुकी थी, लेकिन अभी भी पलड़ा जो है वो इंडिया का ही भारी दिखाई दे रहा है। अगर वो ये मुकाबला जीत लेती है तो यहाँ पर टीम इंडिया की जीत की गिनती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सेकेंड T20 आई मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? क्या रोहित शर्मा, यानी कि टीम के जो कैप्टन हैं, वो प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करेंगे? क्या वो किसी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और शामिल करेंगे? ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल रहेंगे वो है रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दिनेश कार्तिक। वेल दोस्तों, यहाँ हम आपको रुकना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि दिनेश कार्तिक की जगह पर सेकंड T20 मैच में ऋषभ पंत को भी देखा जा सकता है। इनके बाद है हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में जो है ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब की प्लेयर्स पर अगर नजर डालें कि आखिर कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो टीम इंडिया को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं, कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि अच्छे रन बनाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम हम लेंगे KL राहुल का। दोस्तों, वेल KL राहुल का पिछली मैचेस में अगर देखा जाए तो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले ही मैच में KL राहुल ने जबरदस्त पारी खेली थी और उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट की थी। वेल बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में उन्होंने अभी तक एक मैच खेला है जिसमें उन्होंने 35 बॉल्स में 55 रन्स बनाए हैं, वो भी 157.14 के स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि क्या KL राहुल की यही फॉर्म जो कि फर्स्ट T20 मैच में देखने को मिली थी, वही फॉर्म जो है सेकंड T20 मैच में देखने को मिलेगी? यानी कि सीधा सीधा सवाल ये है कि KL राहुल जो है वो सेकंड T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने रन बनाएंगे? तो इसका जवाब दोस्तों नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्होंने भैया एक मैच खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 बॉल्स में 46 रन बनाए हैं, वो भी 184 के स्ट्राइक रेट से। अगला जो नाम है दोस्तों वो है हार्दिक पांड्या का। वेल, हार्दिक पांड्या के कमबैक के बाद जो उनकी बैटिंग देखने को मिल रही है वो बहुत ही जबरदस्त है और क्रिकेट फैंस जो हैं वो उनके इस प्रदर्शन का बहुत ही लुत्फ उठा रहे हैं। और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनकी शानदार बैटिंग देखने को मिली और उन्होंने मात्र 30 बॉल में 71 रन बनाए थे, वो भी 236.67 के स्ट्राइक रेट से।
तो दोस्तों ये वो तीन बल्लेबाज हैं। अलबत्ता कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो ऑलराउंडर के तौर पर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो कि बल्लेबाजी में तो माहिर हैं ही, साथ ही गेंदबाजी में भी माहिर हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में उनके हाथ एक भी विकेट नहीं लगा है, लेकिन उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकेंड मैच में वो विकेट चटकाने में भी कामयाब होंगे। अब बात करते हैं अगले ऑलराउंडर की। दोस्तों तो यहाँ पर हम अक्षर पटेल को शामिल करना चाहेंगे एज अ बॉलर, जिन्होंने अपने पहले मुकाबले में शानदार 4.20 के इकोनॉमी से 3 विकेट चटकाए थे। अगला नाम है दोस्तों उमेश यादव का, जिन्होंने एक मैच खेलते हुए 2 विकेट चटकाए थे 13.50 के इकोनॉमी रेट से। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उमेश यादव ने जो है पिछले मैच में बहुत ही ज्यादा रन खाए थे, जिसकी वजह से काफी जो क्रिकेट फैंस हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उमेश यादव की जगह पर किसी और प्लेयर को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पिछले मुकाबले में उमेश यादव जो है भले ही 2 विकेट लिए हों, लेकिन उन्होंने रन भी काफी ज्यादा लुटाए थे। तो दोस्तों ये है वो खिलाड़ी टीम इंडिया के जो कि टीम इंडिया को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया पर नजर डालते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मुकाबला जो है वो जीत लिया था। ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग 11 में चेंजेस करेगी, जरा नजर डालते हैं। तो यहां पर दोस्तों प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल रहेंगे वो रहेंगे एरोन फिंच, जो कि टीम के कप्तान हैं, कैमरन ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेट, पैट कमिंस, नाथन एलिस, एडम जेम्पा और जॉश हेजलवुड। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, क्योंकि सारे के सारे खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हैं इस टाइम पर, क्योंकि पहले मुकाबले में सभी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसे में की प्लेयर्स कौन से होंगे जो कि टीम को जीत दिलाने के लिए सबसे ऊपर रहेंगे, यानी कि अच्छे रन स्कोर करेंगे, अच्छे विकेट अपने नाम करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों कैमरन ग्रीन का नाम सबसे पहले हम लेना चाहेंगे, जिन्होंने अपना पहला मैच खेलते हुए 61 रन बनाए थे, वो भी 30 बॉल पर, और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा था 203.33 का। मैं बता दें कि कैमरन ग्रीन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में तो कमाल किया ही था, साथ ही गेंदबाजी करते हुए उन्होंने एक विकेट भी अपने नाम किया था। अगला नाम है दोस्तों मैथ्यू वेट का, जिन्होंने एक मैच खेलते हुए 45 रन बनाए थे, वो भी 21 बॉल्स पर, और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट जो था वो था 214.29 का। अगला नाम है दोस्तों स्टीव स्मिथ का, जिन्होंने 24 बॉल्स में 33 रन्स बनाए थे, वो भी 145.83 के स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ऑलराउंडर और बल्लेबाजों की, लेकिन दोस्तों गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के वो कौन से प्लेयर हैं जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सामने वाली टीम को कमजोर करने में माहिर हैं? तो यहाँ पर नाथन एलिस का हम नाम लेंगे, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे अपने पहले मुकाबले में इंडिया के खिलाफ, और इस दौरान उनकी इकोनॉमी रही थी 7.50 की। आखिरी जो नाम है दोस्तों वो है जोश हेजलवुड का, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे इंडिया के खिलाफ, और इस दौरान उनकी इकोनॉमी थी 9.80 की। तो दोस्तों अब बात आ जाती है सीधे सीधे कि आखिर सेकंड T20I मैच की जीत का दावेदार कौन होगा। तो अगर यहाँ पर दोनों टीम्स के की प्लेयर्स के स्टैट्स देखे जाएं, यानी कि टीम की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए, तो दोस्तों वैसे तो दोनों ही टीम बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, दोनों ही टीम यहाँ पर जीत की दावेदार दिख रही हैं, लेकिन मुकाबला तो एक ही टीम जीतेगी। तो बात की जाए उस टीम की, तो यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया जो है वो जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है दोस्तों, क्योंकि पिछला जो मैच था उसमें गेंदबाजी बहुत खराब हुई थी, फील्डिंग बहुत खराब हुई थी, हालांकि बैटिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने, यानी कि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुए थे, लेकिन गेंदबाजी की वजह से ये मैच उनके हाथ से निकल गया था। तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा जो है वो इस बार फील्डिंग और गेंदबाजी पर खासा ध्यान देंगे और इस मुकाबले में जीत दर्ज करेंगे। तो दोस्तों आपके हिसाब से सेकंड T20I मैच जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है, उसमें कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।